नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग डेली थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और इसी तैयारी के अंतर्गत आज हम गणित का मॉडल पेपर 7 लेकर आए हैं। इस मॉडल पेपर में हमने 10 प्रश्नों को कवर किया हुआ है और सब अलग अलग तरीके के प्रश्न हैं। जिन्होंने अभी तक मॉडल पेपर नहीं देखे हैं अपने इस चैनल के माध्यम से, तो उन लोगों को बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर मॉडल पेपर के लिंक्स दिए हुए हैं। आप वहाँ पर क्लिक करके मॉडल पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, उनके सोल्यूशन देख सकते हैं। ओके दोस्तों, मैथ में 25 में 25 नंबर लाने हैं या 20 से प्लस नंबर लाने हैं, इससे कम नंबर नहीं इस बार लाने हैं, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में कई लोगों की बैक लग गई थी, तो इसलिए इस बार की तैयारी बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। आपकी मैथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैथ में सबसे ज़्यादा बैक लगती है, इसलिए मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे। ओके दोस्तों, इस बार की जो थर्ड सेमेस्टर की मैथ है थोड़ी आसान है पिछली बार की अपेक्षा, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आज 10 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा दीजिए। तो यहां पर पहला प्रश्न है, 80:2 समानुपात 200:x। अब ये समानुपात का क्वेश्चन है, जहां पर इस तरह का साइन लगा हो ये होता है समानुपात का चिन्ह। तो समानुपात का क्वेश्चन है, तो इसका जो रूल होता है वो होता है मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 80 × x बराबर 2 × 200, मतलब बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर कर देते हैं। तो यहां पर 80 और x का गुणा हो जाएगा तो आएगा 80x, और 200 और 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 400। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 80 को उस तरफ भेजेंगे तो 400/80 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 5, क्योंकि 0 0 कट जाएगा और वो ऊपर बचेगा 40, नीचे बचेगा 8, तो 8 × 5 = 40, x की वैल्यू आएगी 5। अब देखिए, यहाँ पर 5 दिया हुआ है ऑप्शन में, 5 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उत्तर तो 5 आ रहा है और 5 ऑप्शन में दिया नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, 243/3/5 का मान ज्ञात करो। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ही आसानी से निकल आएगा जब पावर बटे में हो, ये याद रखिएगा। तो आप नीचे का देख लीजिए कितना है, 5 है पावर में, कितना है 5 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 243 को हमें बदलना पड़ेगा पावर में। जैसे हम लोग 4 को पावर में बदल देते हैं 2 की पावर 2, 16 को हम लोग बदल देते हैं 4 की पावर 2, ठीक है, 125 को हम लोग बदल देते हैं 5 की पावर 3 में। इसी तरह 243 को कैसे बदलेंगे, कि ऐसा कौन सी संख्या है जिसकी पावर 5 आ जाए। तो 243 कैसे होता है, अगर हम 3 का गुणा कर दें, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, अब अगर हम 3 को 5 बार गुणा कर दें तो आता है 243। तो क्या हम 3 की पावर 5 नहीं लिख सकते 243 को? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 243 को हमने लिख दिया 3 की पावर 5, और 3/5 जो पावर पहले से लगी हुई है। अब आपको मालूम है, जब पावर के ऊपर पावर लगती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 की पावर 5 है और उसके ऊपर भी पावर में 3/5 है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 × 5 × 3/5 दिख रहा है, चलिए देखते हैं। इस तरह लिखेंगे, 3 ऊपर लिखेंगे 5 × 3/5, ये पूरा पावर में लगा हुआ है। अब 5 5 कट जाएगा तो 3 की पावर 3 बचेगा केवल, और 3 की पावर 3 क्या होता है आपको मालूम है, 27। इसका सही उत्तर क्या होगा, 27, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 6/3/18 × 5/4, बहुत ही आसान है, यहाँ पर बॉडमॉस का रूल फॉलो करना है। बॉडमॉस मतलब बी फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसीलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो सॉल्व करना है वो कर लेते हैं, 6/3/18। अब इस 18 को ये डिवाइड में लगा हुआ, अब इसको मल्टीप्लाई में कर लेंगे तो 18 है, अगर मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1/18 हो जाएगा। जैसे 6/3 करेंगे, 6/3 × 1/18 ये कर लिया, और 5/4, ठीक है। अब 6 × 3 = 18, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा,
एक बटे नौ, नीचे नीचे का गुणा ऊपर ऊपर का गुणा, तो एक और नीचे आ जाएगा तीन तिया नौ, तो एक बटे नौ गुणे पांच बटे चार। कैसे करेंगे? एक बटे नौ गुणे पांच बटे चार। अब यहां पर कुछ कटने वाला है? बिल्कुल नहीं है, तो यहां पर सीधा गुणा करके फाइनल आंसर दे देंगे। ऊपर होगा पांच एकम पांच और नीचे होगा नौ चौको छत्तीस, यही इसका आंसर आ जाएगा, पांच बटे छत्तीस ऑप्शन नंबर जो प्रश्न संख्या तीन है इसका आएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या चार देखेंगे, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन चार गुना हो जाएगा। थोड़े उच्च क्वालिटी के भी प्रश्न लेंगे यहां पर, तो यहां देखिए, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन चार गुना हो जाएगा। क्या कह रहा है? कोई धन है वो अपना चार गुना कब हो जाएगा, 20 वर्षों में कितनी दर से हो जाएगा, ये बताना है। समय दे रखा है यहां पर और ये बता रहा है कि मिश्र धन चार गुना हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या समझने की जरूरत है, यहां पर हम मान लेते हैं मूलधन कितना है, x है, ठीक है, मूलधन कितना है, x है, और 20 वर्षों में मिश्र धन कितना हुआ जा रहा है, चार गुना हो जा रहा है। तो ये 20 वर्षों में मिश्र धन कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, क्योंकि चार गुना हो रहा है, तो 4 इंटू x करेंगे तो 4x। अब ये बताइए, जब 20 वर्षों में मिश्र धन 4x हुआ जा रहा है और मूलधन x है, तो ब्याज कितना होगा? ब्याज क्या होता है? जब मिश्र धन में मूलधन को घटा देते हैं तो हमें ब्याज मिल जाता है, क्योंकि मूलधन जो होता है उसमें जब ब्याज जुड़ता है तब जाकर वो मिश्र धन बनता है। वही यहां पर करेंगे, तो ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्याज निकालने के लिए हमें मिश्र धन में मूलधन घटाना पड़ेगा, तो हमारे पास 20 वर्षों का ब्याज मिल जाएगा। तो 20 वर्षों का ब्याज हमने देखा 4x माइनस x किया तो बचेगा हमारे पास 3x, मतलब जो मूलधन है वो है x और जो साधारण ब्याज है 20 वर्षों का वो है 3x, और मिश्र धन तो आप जानते हैं कि मूलधन और साधारण ब्याज को जब जोड़ देते हैं तो मिश्र धन मिल जाता है, ये तो आपको पता है। अब यहां पर हमें निकालना क्या, हमें निकालना है ब्याज दर, ठीक है, यही तो निकालना है कि ब्याज दर बतानी है कि 20 वर्षों में कोई धन है मिश्र धन उसका चार गुना हो जाता है। तो क्या करेंगे, साधारण ब्याज का फार्मूला लगा देंगे सीधा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज जो था वो था 3x, मूलधन कितना है x, दर कितनी है पता नहीं, यही निकालनी है, और समय है 20 वर्ष और बटे में 100। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा 5। अब ये 5 इधर बटे में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इधर देखिए, ये 5 इधर चला गया, 5 इंटू 3x हो गया, और ऊपर बचा x इंटू दर, क्योंकि 20 तो कट ही चुका था पहले ही, 100 भी कट चुका था, 100 की जगह 5 आया था और 5 हमने इस तरफ भेज दिया, तो 5 गुणे 3x हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, 5 इंटू 3x बराबर x इंटू दर, अब हमें चाहिए दर, तो x को क्या करेंगे उस तरफ भेजेंगे, इधर है मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा, हो जाएगा डिवाइड में, तो ये आप देखिए यहां पर ये x डिवाइड में चला गया। अब x x कट जाएगा, ऊपर बचेगा 5 गुणे 3, मतलब दर जो आपकी निकल के आ गई वो आ गई 15%। तो ये आप समझ गए कि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में कोई धन है वो जो उसका मिश्र धन है वो चार गुना हो जाएगा मूलधन का, मतलब अगर मूलधन 100 रुपए है तो उसका मिश्र धन जो होगा वो बन जाएगा 400 रुपए अगर 20 वर्षों में है। चलिए आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है रेखांकित चेक किसे कहते हैं। चेक का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, याद रखिएगा, तीनों याद कर लीजिए, आदेशित चेक, वाहक चेक, रेखांकित चेक, इन तीनों में से एक जरूर आएगा, चाहे वो एक नंबर में आए या दो नंबर में आए, ज्यादा उम्मीद है कि एक नंबर में आएगा। जब चेक के बाएं कोने में दो तिरछी रेखाएं खींचकर उनके मध्य नॉट निगोशिएबल या अकाउंट पे ओनली लिख देते हैं तो वह चेक रेखांकित चेक कहलाती है, ये याद रखेगा, परिभाषा तीनों जरूर याद कर लीजिए, जरूर आएगी। आगे बढ़ते हैं, लॉग 5 125 स्क्वायर का मान बताओ। अब ये आपको बताना है, अलग तरीके का क्वेश्चन है, तो यहां पर हम देखेंगे कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये वाला फार्मूला लॉग ए एम की पावर एन, तो ये जो आपकी पावर में एन लगी होती है वो उठ के सबसे आगे आ जाती है। ये देखिए,
यहाँ पर किया गया है, ये जो n है ये सबसे आगे आ गई है और log a m वैसे ही की वैसे लिखा हुआ है। यही फॉर्मूला इस प्रश्न में अप्लाई करेंगे तब जाके इसका उत्तर आएगा। तो आपने देखा log 5 125 की पावर स्क्वायर, ये पावर 2 लगा हुआ है, अब यही 2 उठ के सबसे आगे आ गया, तो ये हो गया 2 इंटू लॉग 5 125। अब log 5 125 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, अगर ये पता है तो इसकी वैल्यू आप तुरंत निकाल सकते हैं। अगर log 5 125 की वैल्यू आपको नहीं पता है तो ये आपको निकालना पड़ेगा। तो log 5 125 की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी, log 5 125 हो गया तो ये 5 लिख दिया और 125 बराबर के उस तरफ चला गया। अब ये आपको पता करना है कि जो 5 है वो कितनी पावर की जाए जो 125 आ जाए। तो आपने पता किया कि जब हम 5 की पावर 3 करते हैं तो 125 आता है, तो जो ये पावर होती है वही इसका मान होता है, ये आप समझ गए। ये जो पावर है, अब ये देखिए ये बराबर के इस तरफ चली गई, 125 बराबर के इस तरफ आ गया, आपकी देखिए यही सेम टू सेम वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू निकल के आ गई 3। इस तरह आप लॉग इस तरह की वैल्यूज निकाल सकते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 3 वैल्यू आ गई तो 2 × 3 कर दिया और हो गया 6। तो इसका मतलब लॉग 5 125 का स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 6। आसानी से समझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं दोबारा रिवाइंड करिए, जरूर देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, शेयर मार्केट में फेस वैल्यू क्या है, किसी कंपनी द्वारा शेयर जिस मूल्य पर जारी किया जाता है वह फेस वैल्यू कहलाती है। इसी फेस वैल्यू को और नामों से जानते हैं, जैसे सम मूल्य, अंकित मूल्य, पार वैल्यू। अंकित मूल्य सबसे ज्यादा चर्चित है कि अंकित मूल्य क्या है, जिस दाम पर कंपनी शेयरों को जारी करती है वो होता है अंकित मूल्य, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बी बराबर 24 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, मतलब जो बी है वो 24 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, तो इसे सारणी तथा नियम विधि से लिखो। दोनों नियम इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिए। सारणी नियम कैसे लिखते हैं, सारणी विधि, सीधा आप बी लिख दीजिए। अब ये बोल रहा है 24 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, तो 24 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है वो मंझले ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ये हो गया आपका सारणी विधि, याद रखिएगा। सारणी विधि में सामान्य रूप से मंझले ब्रैकेट के अंदर जो भी बोला जा रहा है वो आप लिख दीजिए। अब आते हैं नियम विधि की तरफ, नियम विधि की तरफ कैसे लिखते हैं, देखिए नियम विधि में लिखेंगे बी लिखेंगे बराबर एक्स अनुपात, एक्स एक अभाज्य संख्या है तथा एक्स 24 से छोटी है। ये देखिए यहां पर x की बात बता दी, x एक अभाज्य संख्या है और यहां पर यह भी बता दिया कि x 24 से छोटा है, ठीक है। तो यह होता है नियम विधि, मतलब यहां पर मंझले ब्रैकेट के अंदर उस चीज का नियम लिखा जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए ये समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, 72a² - 98b², अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि a² - b² वाला फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन 72 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है, 98 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आप देखेंगे हमें 2 कॉमन मिल रहा है, दोनों में ये दोनों संख्या 2 से कट जाएंगी, तो 2 कॉमन मिल रहा है, तो हमने यहां 2 कॉमन ले लिया, तो बचा अंदर बचा 36a² और इसमें से बचा 49b², क्योंकि 72 को जो हमने 2 से भाग दिया तो बचा 36, 98 को 2 हमने भाग दिया बचा 49, तो हमने यहां देखिए 2 कॉमन ले लिया दोनों में से। अब आप देख सकते हैं जो 36 होता है वो 6 का स्क्वायर होता है, 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है, तो ये आसानी से a² - b² वाला फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा। अब देखिए 2 है 6a² - 7b², समझ गए। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, a² - b² वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए, तो a² - b² का फॉर्मूला होता है a+b और a-b, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 बाहर लिखा ही रहेगा और ये जो है 6a+7b, ये देखिए लिखा 6a+7b और दूसरा हुआ 6a-7b दूसरे ब्रैकेट में, तो ये आप देखिए 6a-7b और बाहर आपका 2 लगा हुआ है, यही इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आसानी से समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, कठिन क्वेश्चन है। पानी की टंकी में 420 लीटर पानी है, एक घनाभकार डिब्बे से कितनी बार में टंकी से पानी निकाला जा सकेगा, यह डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है।
मतलब क्या, एक टंकी है उसमें 420 लीटर पानी भरा हुआ है और एक डब्बा है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। अब इसका आप डिब्बे का आयतन निकाल लीजिए, क्योंकि डब्बे से पानी निकालना है टंकी में से, तो पूरी टंकी खाली करनी है। और ये बता रहे हैं कि कितनी बार में निकाल सकेंगे पानी, ये बताया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए डब्बे का हम आयतन निकाल लेते हैं और पानी की टंकी का आयतन निकाल लेते हैं। देखिए ये सब दिया हुआ है सेंटीमीटर में, ठीक है, तो हमें सेंटीमीटर में ही टंकी का भी आयतन निकालना पड़ेगा। लेकिन टंकी का जो आयतन है वो 420 लीटर दे रखा है, याद रखिएगा 420 लीटर। तो यहां पर आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि एक लीटर बराबर कितने घन सेंटीमीटर होता है। घन सेंटीमीटर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें आयतन निकालना है और आयतन हमेशा घन में ही आता है। अब डिब्बे का आप आयतन निकालेंगे तो 20 गुणे 15 गुणे 14 करेंगे तो इनका जो गुणनफल आएगा उसमें आगे जो लगाएंगे वो होगा घन सेंटीमीटर। जैसे हम डिब्बे का आयतन निकालते हैं, देखिए डिब्बे का आयतन हमने निकाला 20 गुणे 15 गुणे 14, ठीक है, ये घन सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है। इसी तरह आप देखिए, अब आपको यह पता होना चाहिए एक लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं, तो एक लीटर में होता है 1000 घन सेंटीमीटर। अब हमारी टंकी का जो आयतन है वो है 420 लीटर की, तो 420 लीटर कितना होगा, 420000 घन सेंटीमीटर। ये आपको मिल गया टंकी का आयतन। का डब्बा है उसका आयतन निकाल लेते हैं, तो डब्बे का आयतन 20 गुणे 15 गुणे 14 घन सेंटीमीटर। यहां हमने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी नीचे जाके कैलकुलेशन करना ही है, इसलिए यहां पर हमने इसका आयतन का जो सॉल्व है वो किया नहीं है। आगे देखते हैं, अब ये पता लगाते हैं कुल कितने बार में पानी निकाला जा सकेगा। तो ऊपर रखेंगे टंकी का आयतन, नीचे रखेंगे डिब्बे का आयतन। तो टंकी का आयतन है 420000 और नीचे रखेंगे डिब्बे का आयतन जो कि है 20 गुणे 15 गुणे 14। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, एक जीरो कटा, एक जीरो ये कट गया, अब इसको आप काट लेंगे तो आएगा 21000 आ जाएगा। अब 15 गुणे 14 ऊपर है 21000, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 100 बार। 100 इसका उत्तर आएगा कि 100 बार में उस डब्बे से पानी निकाला जा सकता है। उम्मीद करता हूं ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, इसको आप ध्यान से एक बार जरूर देख लीजिए, ये है इसका पूरा उत्तर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये आपके अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों बढ़ते हैं आज के विशेष प्रश्न की तरफ। आज का जो विशेष प्रश्न है वो देख लीजिए, यदि भुजा 6 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना ये आपको मालूम होना चाहिए, क्या इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लगाएंगे और इसका सीधा उत्तर आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये आज के 10 प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपके लिए जो विशेष प्रश्न है इसका आप उत्तर हमें जरूर देंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो के बारे में कोई सुझाव या शिकायत है तो नीचे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और आपकी कोई समस्या है तो आप वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और उसका समाधान हमारे द्वारा जरूर किया जाएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। डीएलएड का पूरा कोर्स पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।